हेलो। हाँ, शशिभूषण सिंह जी बोल रहे हैं? जी सर, बोल रहे हैं। मैं मनोज कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी बिहार से बोल रहा हूँ। जी सर, जी सर। आपकी खबर कहीं देखी थी मैंने मीडिया में। जी सर। और शायद जो मेरी जानकारी है, आप पटना साहिब विधानसभा के नवाब बहादुर रोड में रहते हैं। जी सर। अच्छा, तो आपको क्या परेशानी है? कोई मकर मालिक आपको शायद परेशान कर रहे हैं? कोई घटना है? जी सर, 18 तारीख से सर बिजली पानी सर बंद कर चुके हैं सर मकर मालिक हमारे। अच्छा, 18 जुलाई। जी सर, 18 जुलाई सर। अच्छा, तो सर बिजली बिल सर 22,000 के आसपास सर बिजली बिल था सर मेरा, जिसमें मैंने सर उनको 15 तारीख को 8,000 रूपए दिया है उनको, और कहा कि आप उनको थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम महीना डेढ़ महीना में जो भी पैसा आपका किराया बिजली बिल है हम उसको देकर आपका मकान खाली कर देंगे, हम नहीं रहेंगे। लेकिन सर सुनने को तैयार नहीं है सर। 4 दिन से हमारे घर में सर बच्चों लोग की हालत एकदम गंभीर होती जा रही है। तो आपका लाइन काट दिया गया है? जी सर, लाइन वो अपने ऊपर से, मेरे यहाँ सब मीटर लगा हुआ है, अपना ऊपर से वो कनेक्शन करके वो लाइन कटवा दिए है मेरा। मकान मालिक का क्या नाम है? सुधीर कुमार गुप्ता सर। अच्छा, सुधीर कुमार गुप्ता। आपका नाम शशिभूषण सिंह जी है? जी, शशिभूषण सिन्हा सर। अच्छा, उस मकान में कितने दिनों से हैं आप? करीब सर 2 साल से हैं सर हम। अच्छा, किराया कितना है? 8,500 रूपए महीना किराया है। अच्छा, और आप क्या करते हैं, व्यवसाय क्या है आपका? सर मेरा सर टूर एंड ट्रेवल का मेरा बिजनेस है झारखंड रांची में सर। अच्छा, जिस कारण से सर रांची में है सर 20 साल से मैं सर वहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली बंद लॉकडाउन जो है इस कारण से आना जाना बंद हो गया सर, सारा व्यवसाय बंद हो चुका है। मैंने फिर भी उनको सर आश्वासन दिया है कि अब आपको जब मकान खाली ही करना है, आप बोल रहे हैं कि नहीं रखेंगे हम, ठीक है हमको महीना दो महीना समय दीजिएगा ना कि हाँ ठीक है हम सब आपका पैसा दे, हम माफ करेंगे, तो सर आप माफ कीजिएगा भी नहीं और माफ हम करवाना भी नहीं चाह रहे हैं, हम देखे खाली करेंगे आपका। नहीं नहीं, वो तो सरकार का जिलाधिकारी का आदेश भी है कि मोहल्लत देना है ना सर। पटना सिटी सर SDO साहब को सर 2 दिन पहले सर हम कंप्लेंट किए सर। सर एक्चुअली 3-4 दिन से सर हम सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित, जिससे घर से निकल नहीं रहे। अच्छा, तो जब जांच करवाया आपने, कहीं आपकी तबीयत खराब तो नहीं? नहीं सर, डॉक्टर साहब ने कहा कि आप 4-5 दिन देख लीजिए, हो सकता है थोड़ा वायरस हो। सर बुखार तो हमको 3 दिन से नहीं आ रहा है, सर्दी में मेरी कुछ चीज हुई है। नहीं, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मैं आपका जांच करवा दूंगा गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में, आप फोन कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर, वो तो हम करवा करें। हाँ, मैं फोन कर दूंगा, आपकी जाँच कर देंगे। लेकिन सर हम कहीं जान SDO साहब को सर मैंने फोन किया, उन्होंने कहा कि ठीक है आप मकान मालिक का नंबर दीजिए सर। उनको मैंने नंबर दिया लिखित सर, उनको व्हाट्सएप पे सारा डिटेल मैंने दिया। तो ये जो आपके मकान मालिक हैं सुधीर कुमार गुप्ता हैं? जी सर। अच्छा, वो क्या करते हैं? सर ये मधुपुर में पोस्टेड हैं, किसी शायद SDO में अनुमंडल अधिकारी से नहीं पोस्टेड है सर। अच्छा, SDO है मधुपुर में? SDO नहीं है सर, लेकिन वहाँ हमको पता नहीं है, मंडल नहीं कहीं पोस्टेड तो है। ये यहाँ रहते हैं? मैं आज यहाँ पर रहते हैं, वो कौन रहता है यहाँ उनका? अभी सर लोग पूरे परिवार से यहाँ पे हैं, पूरे परिवार यहाँ पे हैं, और उन्हें लाइन काट दिया। 5 तारीख को सर ये पूरे परिवार के साथ आए हैं यहाँ पे। उसके बाद से सर परेशान करना। अच्छा, उसके बाद लाइन काटने का काम कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा चलिए, ठीक है, उनका नंबर है मेरे पास, मैं उनसे बात करता हूँ और हाँ मैं उनको समझाने का प्रयास करूंगा। और तो आपका कुल किराया कब से बाकी है? किराया सर हमारा 8 महीना करीब बकाया है सर। 8 महीना से किराया बकाया है? तो लॉकडाउन तो इधर आपका 2-3 महीने से है, दिक्कत मार्च अप्रैल से लॉकडाउन है सर। ठीक है सर, हम सब प्रॉब्लम में सर शुरू में आ गए थे, जनवरी मेरे बच्चे ने थोड़ा सा डेंगू से पीड़ित हो गई थी मेरी बेटी। अच्छा, परेशानी पहले से? पहले से परेशानी। लेकिन तो आपको सुविधा क्या चाहिए? आप सुविधा क्या चाहते हैं? हम सुविधा बस यही चाहते हैं सर, हमको 2 महीने का वक्त दे, हम इनका सारा पैसा बकाया देगा, मकान खाली कर देंगे। अच्छा, 2 महीने का वक्त दे, आप मकान खाली कर देंगे, ये पॉजिटिव है। और 2 महीने का वक्त दे, और आपका कोई एग्रीमेंट भी बना था जब आए थे तो किराया क्या किरायानामा बना था? जी सर, किरायानामा भी बनाया गया था। हाँ सर, एक एग्रीमेंट बना था जिसमें हम आए थे, लेकिन उसको आज तक सर हमको एग्रीमेंट की फोटो कॉपी दिया है उन्होंने, न कभी कुछ किया, और रिन्यूअल हुआ एग्रीमेंट और जब तक उसको मैंने आकर एग्रीमेंट करवाया था उन्होंने। अच्छा, एग्रीमेंट करवाया। चलिए, 2 महीना का सर एडवांस मैंने दिया था इनको,
हाँ, दो महीने का एडवांस काट देते हैं तो 6 महीने का लगता है, हम उसको देखते हैं वहाँ पर खाली करने मकान दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं जब उनसे बात कर लेता हूँ फिर आपसे बात करूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ, अगर जरूरत होगा तो हम लोग आकर भी उनसे बात कर लेंगे। जी सर, धन्यवाद।